हेलो दोस्तों, फिर से आपका हमारी एक और नई वीडियो में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2518 गाड़ी का पिछली ट्यूब का अगर गुल्ला टूट जाए तो आप किस तरीके से उस ट्यूब से रिपेयर करा सकते हैं, उसे ठीक करा सकते हैं। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और आपको इस वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताएँगे कि आप उसे किस तरीके से रिपेयर करा सकते हैं। तो आप जैसे जानते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे ही नई नई वीडियो इस चैनल पर लाता रहता हूं, तो आप वीडियो में इसी तरह से बने रहें। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि जी ट्यूब है, इसका जो गुल्ला है वो कहां से टूटा है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये देखिए इसका गुल्ला इस जगह से क्रैक हो गया है, टूट गया है। तो जो इसका सबसे पहला प्रोसेस होता है वो इस गुल्ले को सबसे पहले जो जहाँ पर जो बेयरिंग की शीट होती है वहाँ से इसे काटा जाएगा। इसे गैस कटर की हेल्प से इसे उस जगह से अलग कर दिया जाएगा। ये जो टूटा हुआ गुल्ला है उसे अलग कर देंगे। वीडियो फाइनली जो ट्यूब का गुल्ला है वो कट के अलग हो चुका है। चलिए आपको नज़दीक से दिखाते हैं। ये देखिए जो ट्यूब का गुल्ला है वो अलग हो गया है। और आप जैसे कि देख रहे हैं, इसे गैस कटर से काटने के बाद जो मेल्ट आयर लोहा है वो उसके ऊपर भी चिपका हुआ है। मोटा मोटा जो लोहा है उसे आप छेनी की हेल्प से उसे पहले साफ कर लेना है, फिर ग्लेंडर की हेल्प से इसे अंदर से पड़ियाँ से जो इसका बोर है उसे अच्छे से सफाई की जाएगी। देखिए उसको बहुत ही अच्छे से साफ करना है। ये देखिए जो इसका अंदर का बोर है ट्यूब का वो बढ़िया से साफ हो चुका है। और अब अगले स्टेप में जो कैलिपर की हेल्प से इसका जो इंटरनल डाया है, जो इस गुल्ले का इंटरनल डाया है उसके साइज़ को नापने के बाद जो गुल्ला आता है, जो नया गुल्ला होगा उस पर इसी साइज का कट लगाया जाएगा। ये देखिए ये नया गुल्ला है, ये देखिए आपको दिखा दे, देखिए ये नया गुल्ला है। और इसे अब खराद की हेल्प से इसे खराद पर सेट करके इसे कटिंग किया जाएगा। देखिए ये अब खराद पर लग चुका है जब तक इसकी कटिंग हो रही है। दोस्तों आप लोगों से एक शिकायत भी है, क्योंकि आप हमारी वीडियो तो पूरी देखते हैं लेकिन हमारी वीडियो को लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारी इस घंटी के बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि आपको हमारी हर एक नई आने वाली वीडियो के बारे में पता चल सके। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं। तो आप जैसे कि देख रहे हैं जो गुल्ला है जो उसको खराद मशीन पर लगा रखा है और उसका जो हमने ट्यूब का जो साइज़ नापा था उस साइज़ के हिसाब से इस गुल्ले को तैयार किया जा रहा है। और फाइनली जो उसका साइज़ है वो लगभग फाइनल हो चुका है, गुल्ले का जो साइज़ है वो लगभग बन चुका है। चलिए अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद ये जो स्पेसर जो उसके अंदर जो वाशर स्पेसर वाशर लगा होता है पहले उसको के अंदर रोकना है। ये देखिए उसके बाद ये देख ही रहे हैं आप, ये जो कपड़ा इसके ऊपर लगा रहे हैं, ये कपड़ा लगाने का जो कारण है वो ये है कि जब इस गुल्ले को उसके अंदर ठोका जाएगा तो इसके ऊपर इसकी चूड़ियों के ऊपर किसी तरह की चोट ना लगे और किसी तरह की वेल्डिंग की बावरी उसके ऊपर ना लगे। अब फाइनली देखिए जो गुल्ला है जो साइज बनकर तैयार हुआ है उस गुल्ले को ट्यूब के अंदर ठोकना है। ये उस ट्यूब के अंदर ठोका जा रहा है। और दोस्तों आपको जैसे कि वीडियो में दिख ही रहा है, वीडियो थोड़ी फास्ट हुई हुई है क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए इस वजह से मैंने इस वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर रखा है। फाइनली इस जो गुल्ले को है वो ट्यूब के अंदर ठोक दिया है और अब इसका जो साइज़ है उसको
इसको चारों तरफ से नापा जा रहा है ताकि जो दोनों साइडें हैं, जो गुल्ले की दूसरी साइड है ट्यूब की सॉरी उसका और इसका दोनों का साइज़ बराबर हो, दोनों की दूरियां जो है वो बराबर हो। ये देखिए, ये इसको नाप लिया है और अब फाइनली इसकी अलाइनमेंट को चेक किया जाए, इसकी लाइन को चेक किया जाएगा ताकि ये इसके हेल्प से इसकी ट्यूब के जो गुल्ले की है उसकी लाइन को चेक करना है। ये चेक कर रहे हैं। और एक बात आपको बता दूं, इस ट्यूब की लाइन का सीधा होना बहुत ही ज़रूरी है। गुल्ले की जो लाइन है वो सीधी होनी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस गुल्ले की लाइन थोड़ी भी अप डाउन हो गई तो इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर अगर मैं बताऊं तो इसका जो नुकसान है, सबसे बड़ा नुकसान है जो, वो एक तो जो आपकी गाड़ी के टायर हैं वो बहुत ही ज़्यादा घिसाई करेंगे, बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। और दूसरा इसका जो कारण है वो है आपके जो व्हील हैं वो गर्म होने की शिकायत इसकी वजह से रहेगी। तो ये बहुत ही मेन पार्ट है इस ट्यूब का रिपेयर करने का। तो ये जो लाइन है, इसका लाइन बहुत ही सीधी होनी ज़रूरी है। ये लाइन सीधी हो गई है और अब इसका फाइनल इसके ऊपर टाके लगाए जा रहे हैं ताकि इसका जो भी है इसे थोड़ा सेट कर दिया जाए, फिर उसके बाद इसको पूरा कंप्लीट वेल्ड कर दिया जाएगा। ये देखिए, इसके ऊपर टाके लगा दिए गए हैं और लाइन जो लगा रखा है, लाइन मिलाने के लिए, उसके अलाइनमेंट के लिए वो भी देख रहे हैं। फाइनली इसकी लाइन मिल चुकी है और अब ये छूना इसके ऊपर लगा दिया गया है ताकि जब इसे वेल्ड किया जाए तो जहाँ पर जो इसकी सीले बैठती हैं, जो सीले लगती हैं, बैरिंग चढ़ता है वहाँ पर किसी तरह की कोई बाबरी, जो वेल्डिंग की वो बाबरी हो वो इसके ऊपर ना लगे और उसका फेस ना ख़राब हो, इसके लिए इसके ऊपर ये चूना टाइप जो गीला होता है उसे लगा दिया। आप उसके ऊपर मिट्टी भी लगा सकते हैं, कपड़ा भी लगा सकते हैं। तो फाइनली इसको वेल्ड किया जाएगा। देखिए, फाइनली अब गुल्ले को इसके ऊपर पूरी तरह से जिसका गैप है उसे भर दिया जाएगा। और फाइनली जो हमारे ट्यूब है और गुल्ला है वो रेडी हो चुका है और इसे आप अपनी गाड़ी में देख सकते हैं।